नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी ने आज खुलकर मीडिया के सामने ये बात कह दी कि अगर हमारे विधायकों को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जब मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा आपके विधायक आपके सुर में सुर नहीं मिला रहे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं वो फ्रंट पर आके और सीधे सीधे वो हमसे कहें कि आखिर वो उन्हें क्या चाहिए। अगर वो पर्दे के पीछे कुछ काम करेंगे तो हम उस पर्दे में आग लगा देंगे। तो एक तरह से हम समझ लें कि मुकेश सहनी एकदम फुल फॉर्म में है और वो बिहार की सियासत में एक नया मोड ला सकते हैं। आप खुद सुन लीजिए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनको अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम ना करें। पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। वो सन ऑफ जो भी है वो हम लोगों का इंटरनल मामला है, वो बात हो जाएगा आपस में और सारे चीज सही है, कहीं पे कोई किंतु पंतु नहीं। देखिए खास करके बिहार में कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मैं ऐसे साथी को कहूंगा कि पर्दे से बाहर आके बात कीजिए। ये कौन लोग हैं? जो भी लोग हो, और आप आज आपकी पार्टी के ही लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पार्टी तो हमारे साथ है मजबूती से। वो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको तोड़ सकता है या उसको गिर सकता है। हमारे राय से ही तो फर्क नहीं, हमारे पार्टी के सारे लोग हैं, स्वतंत्र हैं, मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर में रहकर अपने विचार को रखना। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे पार्टी के जो भी हमारे माननीय विधायक हैं जो भी बात रख रहे हैं वो मजबूती से रख रहे हैं और हम उस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और उस हिसाब से हमारी पार्टी चलेगी। सारे हमारे साथ अच्छा है। कुछ लोग हमारे पार्टी को तोड़ना चाहेंगे, घुमराह करना चाहेंगे, तो मेरे पार्टी का कोई भी विधायक माननीय विधायक कहीं पे कोई जाने वाला नहीं है। कोई भी ताकत नहीं उसको ये कर सकता है। और हमारे पार्टी के सारे लोग हमारे साथ में है। जो लोग को उनको क्लियर संदेश जाता होगा, उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनको अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम ना करें। पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। वो सन ऑफ मतलब मेरा नाम है। फैसला लेते सर्वसम्मति से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। देखिए पार्टी में सारे विधायक एक साथ में है और रहा कि पार्टी में सबकी बात सुनी जाती है, सब सबका विचार खुला है, सब लोग अपने अपने तरीके से बात तो रख ही रहे। और जब तक अगर सब अगर एक नहीं है तो फिर आज सरकार हमारी कैसी चल रही है, तो कहीं पे किंतु परंतु नहीं है। रहा कि हम सरकार के साथ तो मजबूती से हैं, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। विभाग या सरकार में कोई भी काम है कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, सब अच्छा हो रहा। थोड़ा सा इशू हमारे NDA में है, तो NDA तो घर की बात है ना, NDA पार्टी है, NDA का मतलब चार पार्टी है और उसमें थोड़ा बहुत है, वो सब आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। बाकी कहीं पे कोई लेकिन आपके जो विधायकों का बयान है ऐसा लग रहा है कि आपको तो आपके विधायकों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। नहीं सारे अब आज ही सुबह में हम सारे विधायक के साथ नाश्ता किए और सारे विधायक सब साथ में हैं, कहीं कोई ये नहीं। आपका एक बयान छपा है कि आपने कहा कि आपके विधायक दिन में कुछ और बोलते हैं रात में कुछ और बोलते हैं। देखिए अभी समस्या सब अपने अपने तरीके से लोग बोल रहे हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, हम साथ में बात करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी बात होता नहीं है। बाद में आप लोग तोड़ मरोड़ का अलग अलग जवाब ले लेते हैं, तो उस हिसाब से चलता है और सब स्वतंत्र हैं, पार्टी में स्वतंत्र हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं। बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश में फूलन देवी के बाद से शुरू हुआ, जहां मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन योगी की सरकार ने कोर्ट का हवाला देते हुए मूर्ति लगाने से मना कर दिया। उसके बाद मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। उसके बाद जब वो बिहार आए तो बिहार में आने के बाद ही उन्होंने NDA को लेकर कई तरह के बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है गठबंधन में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी के दो विधायकों ने पार्टी के जो नेता हैं मुकेश सहनी उनके खिलाफ उन्होंने जो है बयानबाजी शुरू कर दिया। अब जाकर मुकेश सहनी खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है हम उस पर्दे में आग लगा देंगे, उन्हें जो है फ्रंट पे आकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये थी बिहार की सियासत को लेकर जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।